से दसवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा पर अभ्यर्थियों ने असंतोष जताया है और साथ ही दसवीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में क्रमवार पास अभ्यर्थियों पर अभ्यर्थियों में संदेह है। इसलिए अभ्यर्थी अब जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखें। अब आ सकते जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने की तैयारी। दसवीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में क्रमवार पास अभ्यर्थियों पर संदेह। सातवीं से दसवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा पर अभ्यर्थियों ने जताया असंतोष। छठी जेपीएससी मामला भी था कोर्ट में, अब आ सकता है फैसला। झारखंड में विवाद का दूसरा नाम जेपीएससी बन चुका है, जहां एक तरफ छठी जेपीएससी का मामला न्यायिक प्रक्रियाओं से चलकर फैसले तक पहुंचा ही था, वहीं दूसरी तरफ सातवीं से दसवीं जेपीएससी के पीटी परीक्षा में क्रमवार तरीके से पास हुए अभ्यर्थियों पर संदेह जताया जा रहा है। अब असफल अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। ये महज संयोग तो नहीं हो सकता है, सीरियली लोग पास कर जा रहे हैं, तो ये तो साफ साफ नजर आता है कि इसमें कुछ ना कुछ करप्शन जरूर हुआ है। तो हमारी डिमांड ये है कि ये तो रिजल्ट जब करप्ट है तो फिर हम इस रिजल्ट को कैसे एक्सेप्ट करें कि फेयर सिलेक्शन हुआ है। अगर गौर फरमाया जाए तो छठी जेपीएससी बामुश्किल अपने अंतिम चरण पर पहुंचा है। पहले उम्र सीमा निर्धारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख और दूसरी तरफ झारखंड हाई कोर्ट में एकलपीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। परीक्षार्थीगण कई साल तक तैयारी करते हैं और शर्तें इस तरह से अगर बदली जाती हैं और इस तरह का जब अन्याय होता है तो वाकई उनके मन पे बड़ा असर पड़ता है। झारखंड में जेपीएससी विवाद और अदालत का रुख, ये जैसे सिलसिला बन चुका है। एक तरफ छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को लेकर जो फैसला है वो अदालत में सुरक्षित रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ सातवीं से ग्यारहवीं जेपीएससी के पीटी परीक्षा संदेह के घेरे में है। असफल अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार इस पे तत्काल कार्रवाई करे, अन्यथा वो अदालत का रुख करेंगे। सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।